फ्रेशर स्टूडेंट आप सोच रहे हो तो आपके मन में बहुत से डाउट होंगे ये कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी के लोगों को बीट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, अभी मुझे कितने टूल्स लेने पड़ेंगे, क्या सेटअप है, क्या दुकान कहां खोलनी पड़ेगी, क्या मेन मार्केट में दुकान खोलनी पड़ेगी या फिर मैं दुकान या घर से भी कर सकता हूं, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज कैसा होना चाहिए, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, क्या मुझे लिखते आता है या नहीं आता है, या जो भी आप कि दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं ना, एक इंस्टीट्यूट ARES इंस्टीट्यूट में जाऊं कि इसमें जाऊं, दिल्ली में जाऊं कि जोधपुर में जाऊं या कहां जाऊं, ये ऐसा आपके दिमाग में चलता रहता होगा, इंस्टीट्यूट में सीखूं कि दुकान में बैठ के सीखूं, भाई दुकान वाले तो एक डेली के लाइव मोबाइल आएंगे तो मुझे खोलने और निकालने में और मुझे सीखने में मदद मिलेगी, इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो पता नहीं सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तो ये दिमाग में सवाल आते हैं। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बड़ा स्वागत है एसर टेलीकॉम देवतरण कवाल के ऑफिसियल चैनल में। दोस्तों आप मुझे जानते हो, नहीं जानते तो वीडियो लिस्ट जाओ यार, देखो कितना काम किया है, आईफोन पे रिपेयरिंग है, एंड्रॉयड पे रिपेयरिंग है, बहुत सारे आपको ट्रिक्स बताए हैं, बहुत सारी क्लासेस के वीडियो डाले हैं, हमारे एसर टेलीकॉम इंस्टीट्यूट जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में, उसके हमने वीडियो डाले हैं, और बाकी आपको अगर लाइव क्लासेस देखनी है तो आप फेसबुक में जाइए, और आज दिन की जो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनकी आज की आप वीडियो देखिए और देखिए कि आज के बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ रहे हैं। और सच बताइए दोस्तों, जो आप हमें जब जानेंगे, जब हमारे पास आएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कहते हैं ना वो एक शब्द कि वी कैन चेंज योर लाइफ। सो लाइफ दोस्तों कैसे बदलती है, ये टॉपिक पे, लाइफ कैसे बदलती है ये टॉपिक पे मैं आज आना चाहता हूँ। ये वीडियो है मार्केट का हाल 2022 कि क्या है मार्केट का हाल, क्या है, कैसी है रिपेयरिंग, और क्या रिपेयरिंग अभी की डेट में कितना प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है, और क्या हमें ये करना चाहिए, और हमें रिपेयरिंग करना है तो क्या क्या टिप्स हम रिपेयरिंग में मैं आपको दे सकता हूँ, कि एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आप सोच रहे हो तो आपके मन में बहुत से डाउट होंगे ये कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी के लोगों को बीट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, अभी मुझे कितने टूल्स लेने पड़ेंगे, क्या सेटअप है, क्या दुकान कहां खोलनी पड़ेगी, क्या मेन मार्केट में दुकान खोलनी पड़ेगी या फिर मैं दुकान या घर से भी कर सकता हूं, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज कैसा होना चाहिए, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, क्या मुझे लिखते आता है या नहीं आता है, या जो भी आप कि दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं ना, एक इंस्टीट्यूट ARES इंस्टीट्यूट में जाऊं कि इसमें जाऊं, दिल्ली में जाऊं कि जोधपुर में जाऊं या कहां जाऊं, ये ऐसा आपके दिमाग में चलता रहता होगा, इंस्टीट्यूट में सीखूं कि दुकान में बैठ के सीखूं, भाई दुकान वाले तो एक डेली के लाइव मोबाइल आएंगे तो मुझे खोलने और निकालने में और मुझे सीखने में मदद मिलेगी, इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो पता नहीं सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तो ये दिमाग में सवाल आते हैं। क्योंकि जब भी आप हमारे वीडियो देखते हो दोस्तों, तो हमारे चैनल पे बहुत अच्छे वीडियो भी होते हैं, और कुछ ऐसे वीडियोस भी होते हैं जिसको देखकर आप घबरा जाते हो, अरे यार ये तो इंस्टीट्यूट में जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि किसी भी एक अच्छा पहलू का हमेशा एक बुरा पहलू भी दिखाते हैं, और बुरा पहलू इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो बुरे हैं, बुरे पहलू क्योंकि वो बुरा दिखाना चाहते हैं। बहुत से लोगों की ये मैंटेलिटी होती है, और हमें इन लोगों को हम नेगेटिव लोग कहते हैं। क्या इन लोगों को जो करना है ज़िंदगी में वो करेंगे, और ये करने के बाद भी वो नहीं पा पाएंगे जो वो पाना चाहते हैं। बट ये वीडियो का जो मोटिव है, ये वीडियो का मोटिव है कि क्या वाकई में आप इस रिपेयरिंग फील्ड से आज पैसा कमा सकते हैं। सो दोस्तों आप इसको पॉइंट टू पॉइंट समझिए, और होपली मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको इसको पॉइंट टू पॉइंट समझा सकूँ। सबसे पहला पॉइंट कि 2022 और अभी आने वाला 23 कैसा रहेगा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ, जैसे कि पहले भी कहा था, बूम एक इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी फील्ड जिसमें एक ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जो जिसने स्कूल भी नहीं गया आज तक, तो वो भी बहुत पैसे कमा रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो इंजीनियरिंग या जो बड़ी बड़ी डिग्री करके बैठा है और वो भी पैसे कमा रहा है। बट दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, पैसे कौन कमा रहा है, पैसे कमा रहे क्या डिस्प्ले कॉम्बो बदलने वाले पैसे कमा रहे हैं, क्या मुझे कॉम्बो का दुकान खोल लेना चाहिए कि भाई पता नहीं रिपेयरिंग कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, या मुझे चार्जिंग चेक में मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो तरह के सेगमेंट है जिसमें आप जा सकते हैं, और इसमें आप पैसा बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में आना चाहते हैं और आप ये दिमाग में रख रहे हैं कि मैं कॉम्बो पर पैसा खर्च करूँ या फिर मैं एक रिपेयरिंग में पैसा मुझे ज़्यादा मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि कॉम्बो में नेट टू नेट पैसा मिलता है।
मतलब जितना आपका जो डिस्प्ले का चार्ज होता है, फिर जितना आप लगाने निकालने का चार्ज आप देते हैं, वो एक नेट टू नेट है। और जो मार्केट में हर तीसरा इंसान कर ही रहा है, क्योंकि वो देखा जाए तो वो भी प्रैक्टिस पर, ऐसा नहीं है कि कॉम्बो निकालना लगाना बहुत आसान है। एक डिस्प्ले को निकाल के सही तरीके से लगाना बहुत मुश्किल है, और बहुत उसमें जो टेक्निक यूज़ होती है वो भी सीखने के बाद ही आती है, और बहुत सारे डिस्प्ले ख़राब होने के बाद भी वो टेक्निक समझ में आती है। बट वो एक ऐसी चीज़ है जो अब हमने दुकान के किसी ऐसे लड़के को भी सिखा सकते हो, जो जिससे आप इसको साइड बिजनेस में करवा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्ले लगाने का काम आप खुद करो। दोस्तों, आपको वो काम करने हैं जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिले, और पैसे आज की डेट में रिपेयरिंग में ज़्यादा मिलते हैं। रिपेयरिंग की बात करें, जैसे अगर आपके पास एक फ़ोन आता है, मान के चलिए, अब जैसे मान लीजिए मेरे पर एक XR है, मुझे इसको बनाना है, मेरे को इसको वाईफाई बनाना है, और ये जो XR है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये XR है, ये मुझे इसका वाईफाई बनाना है। तो बेसिकली अब मैं इसका कितना चार्ज करूँगा, मुझे इसमें सिर्फ एक वाईफाई ISP डालनी है, और उसकी NAND को अनबाउंड करना है, NAND की प्रोग्रामिंग करके इसको अनबाउंड करना है। सो बेसिकली मुझे अगर इसको लेना चाहूँ तो, कि SR इसकी कीमत है, तो मैं इसको 2500-3000 रुपये तो ले सकता हूँ। वैसे ही मान के चलिए मेरे पास एक एंड्रॉयड का फ़ोन है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी ये Redmi 9 Power हो या कोई सा भी फ़ोन हो, या Redmi या Vivo Oppo, अगर ये हार्डली कॉस्ट 15-20 हज़ार का फ़ोन तो रखता ही है ना, 10 हज़ार का फ़ोन तो रखता ही है ना। सो कस्टमर तो चाहेगा, एक डैड फ़ोन दिया है तो कस्टमर तो चाहेगा कि ये बन जाए, क्योंकि वो गया हुआ है सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर वाले तो सीधा मुंह पे मना कर देते हैं, वो तो बोलते हैं बोर्ड मदरबोर्ड चेंज कर देंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते, डिस्प्ले टूटा है तो उसके पैसे लगे, हर एक चीज़ के पैसे मांगते हैं। उनके पास तो रिपेयरिंग का कोई काम ही नहीं रहता, और वो दे आर नॉट इवन ऑथराइज टू रिपेयर, क्योंकि वो रिपेयर भी नहीं करते हैं, वो बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ चेंज करते हैं। अब पता है रीज़न क्या है इसका, कि वो क्यों अभी तक बोर्ड को रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों एक मान लो एक कंपनी है जो रिपेयरिंग के ऑथराइज एक ऐसा सेटअप डालना चाहती है जहाँ पे आपके वीडियो आपके फ़ोन रिपेयर हो, तो फ़ोन रिपेयर करना कोई आसान बात आपको लगती है? फ़ोन रिपेयर करना कोई इजी लगता है कि किसी को भी लो हायर करो, बैठ जाओ भाई रिपेयर कर दो? नहीं ना, फ़ोन रिपेयर करने एक स्किल की बात होती है दोस्तों। स्किल्ड होता है खुद से, जब काम करते करते हम सीखते हैं तो हमें स्किल्ड आ जाता है। एक नॉलेज हमें गेन करना पड़ता है एक ऐसे आदमी से, या ऐसे इंस्टीट्यूशन से जिनके पास में ऑलरेडी बहुत सा नॉलेज है, और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सो वो आपको वो स्किल दे सकते हैं, और जो आपको हेल्पफुल जो आपको हेल्प देते हैं ज़िंदगी भर के, लाइफ टाइम सपोर्ट, कि भाई मैं आपको कहीं भी फंसेंगे तो मैं आपको बैकअप दूंगा, आप आइए तो मुझे आपसे बैकअप, आप मेरे से लीजिए। तो ये करने के बाद आपको एक रास्ता मिल जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं YouTube के दो वीडियो देखकर और खुद से सीखता रहूँगा, तो दोस्तों आप अपना टाइम को खींच रहे हैं, आप अपने टाइम को इतना ज़्यादा खींच लेंगे, जब 2022 निकल जाएगा तो 23 आ जाएगा, तब तक आप सीखते रहेंगे। बहुत छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं, उनका नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सहारे तो ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता है, और मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब के सहारे आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं, अपडेट चीज़ों का, क्या मार्केट में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बट आप सीख कर उसको कर नहीं सकते हैं। आप किसी छोटे मोटे वीडियो से बिल्कुल, या किसी पर्टिकुलर वीडियो से आप सीख सकते हैं, पर पर्टिकुलर एक चीज़, बट मोबाइल रिपेयरिंग एक चीज़ पर तो ना निर्भर है, वो तो है हमारे बहुत सारे उसमें सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस में बहुत सारे सर्किट होते हैं, कंपोनेंट का नॉलेज, और सॉफ्टवेयर से लेके EMMC प्रोग्रामिंग तक। सो आपको क्या लगता है, अगर आप एक EMMC प्रोग्रामिंग 2-3 हज़ार का कोर्स कर भी लें, तो आप सोचिए जो वैल्यू एक बंदे ने अपनी 2-3 हज़ार या 10 हज़ार या 5 हज़ार रखी है, सो उसने अपनी खुद की वैल्यू रखी है, वो खुद समझता है कि मेरी वैल्यू 10 हज़ार है, मेरी वैल्यू 2 हज़ार है, मेरी वैल्यू 5 हज़ार है। तो वो आप जो आदमी को जितना नॉलेज होगा वो अपनी वैल्यू उतनी ही सेट करेगा दोस्तों, और जिस आदमी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो अपने आप को उतना सेट करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो आपको एक तरह की गारंटी दे सकता है, वो आपको बता सकता है कि भाई तू यहाँ से सीख के जाएगा ना तो तू काम भी करेगा और आगे जाके अपडेट भी होगा। क्योंकि दोस्तों किसी एक जगह से कम पैसे से सीख लेना और काम करना एक बार दूसरी बात है, और आगे जाके फंसना और फिर बाद में फिर हेल्प के लिए हर जगह जाकर ये बोलना कि सर मुझे हेल्प कर दो, एक फ़ोन में फंस रहा हूँ, मेरे तो वो वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, सो फिर तो क्या मतलब फिर ऐसी चीज़ का। यहाँ आप एक ऐसा सोर्स ढूंढिए जहाँ से आपको ज़िंदगी भर हेल्प मिलती रहे, आप वापस आएँ फिर सीखें, और जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएं।
एक बार पैसा ले और फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, ये भी नहीं कि हर बार का पैसा चार्ज करें, तो ऐसे में तो आप कितना पैसा भर देंगे, तो ये भी बात समझने की बात है। दोस्तों मैं आप अपने इंस्टीट्यूट की अच्छाई या बुराई किसी भी तरह की वह नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन प्रमोट माई इंस्टीट्यूट, या मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप आइए मेरे इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टीट्यूट में तो आप अगर कॉल भी करेंगे ना तो आपको इंटरव्यू होगा, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लेंगे। बट आप ये सोचिए कि मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, तो पहली बात तो आपको टूल्स का नॉलेज, हालांकि देखो किसी को नहीं होता है बिना क्लास लिए हुए, पर ये आपको एक बजट सेगमेंट में बताता हूँ कि कितने के आपको टूल्स यहाँ पे लग सकते हैं। देखो दोस्तों माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, एक UFI या छोटे छोटे जो UMT या फिर हमारे जो सॉफ्टवेयर के टूल्स होते हैं अनलॉक टूल, आप RN की बात करेंगे तो ऑल ओवर इसका जो कॉस्ट है ये मान के चलिए 50 से 80 हज़ार रुपये का कॉस्ट है। इतना पैसा आपको आपके बिजनेस में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर ये बिजनेस है ना, अब बिना अब ये कोई तेल मालिश का धंधा तो है नहीं कि आप रोड पे बैठ गए और 5-20 रुपये का तेल लाया और एक हाथ में कपड़ा लाया और पहले तेल लगाया फिर कपड़े से पहुंच के कस्टमर से 20 रुपये ले लिए, नहीं ना, ये 5 रुपये के तेल से कस्टमर से 20 रुपये ले लिए, एक दिन में 5 कस्टमर किए तो 100 रुपये का धंधा हो गया। दोस्तों ये मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस ना आपसे पैसा मांगेगा, बिल्कुल आपसे ICO का पैसा मांगेगा, आपसे बोर्ड का पैसा मांगेगा, आपसे टूल्स का पैसा मांगेगा, स्क्रैप बोर्ड का पैसा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप ये आपको पैसा मांगेगा, आपको देना पड़ेगा दोस्तों। बट दोस्तों पर जब आप इससे पैसा लेना चालू करेंगे ना तो इतना लेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक एवरेज इनकम एक अच्छे मोबाइल रिपेयरिंग जो शॉप होती है उनकी एक दिन की 5,000 तो होती ही होती है, और वो जब बहुत अच्छा कर लेते हैं तो 5 से 10,000-15,000 एक दिन का भी कमा सकते हैं, जो बहुत से लोगों की एक महीने की सैलरी होती है। सो आप सोचिए कि बिजनेस बहुत ही अच्छा और ग्रोथ या तो ग्रोथ सेक्टर है जिसमें आप काफ़ी अपने आप को इसमें एडवांस लेवल पे अगर आप एक अच्छी स्किल हासिल करें तो अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर नहीं है कि आप एक जगह तक जाकर रुक गए, ये सेक्टर है आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे नए मोबाइल्स नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी आपको अपडेट होने का चांस मिलेगा। जो लोगों ने मोबाइल नोकिया के टाइम पे काम करके खूब पैसा कमाया वो लोग अब उसके बाद अपडेट नहीं हुए, क्यों? 3 कारण। पहला, कहीं जाने की शर्म कि भाई हम कैसे जाएं, हम कैसे सीख लें, हम किसी के पास कैसे बैठ लें। दूसरा, किसी को पैसा मतलब कहीं पैसे खर्च करने की कहीं भी इच्छा नहीं, उनको लगता है सब फ्री में मिल जाए, कहीं भी देखो कहीं फ्री में मिल जाए। और तीसरा कि घर से निकलना नहीं चाहते हैं, सब कुछ घर पे और बिस्तर पे चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारे टेक्नीसन 2005 से 2015 के बीच में जितने भी टेक्नीसन हैं वो बेसिकली उन्होंने फील्ड ही छोड़ दी, और जिन्होंने फील्ड नहीं छोड़ी है वो यूट्यूब देख के 2-4 आज भी जंपर मार के कर रहे हैं, और नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भटक रहे हैं। वो आज भी ये सोचते हैं कि सस्ता इंस्टीट्यूट मिल जाए और बस मेरा काम हो जाए, एक बार सीख लूँगा उसके बाद क्या। पर ये बात गलत है, आप गलती कर रहे हैं। अगर आप सस्ते इंस्टीट्यूट के चक्कर में पड़ेंगे और आप सोचेंगे कि भाई किसी के पास भी चले जाओ, तो भैया हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट में जो बैठे हुए हैं, जो मेन दोस्तों ऑनर पे इंस्टीट्यूट नहीं चलता है, इंस्टीट्यूट चलता है जो टीचर है, कौन पढ़ा रहा है, कि उसका कितना बैकग्राउंड है, वो कितने सालों से काम कर रहा है, उसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। क्या पता वो आप जैसे ही सीख कर आया हो 4 महीने पहले और अभी ताज़ा टीचर है। सो आप बताओ वो आपको उतना ही डिलीवर करेगा जितनी दुकान वाले ने उसको सिखाया है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं दुकान जाके बैठ जाऊं, भाई तो मेरे दुकान जाके बैठ जाओ और ये सोचो दुकान वाले आपको इतना लॉलीपॉप देंगे कि हम आपको डेली के मोबाइल आपको आपके प्रैक्टिकल करवाएंगे, जो हमारे पास ग्राहक के मोबाइल आएंगे वो बनाएंगे। सो मेरे भाई जब आप डेली चालू कर दोगे शुरू से ही मोबाइल बनाना तो सीखोगे क्या, क्योंकि बिना सीखे तो कोई मोबाइल बना ही नहीं सकता है। सो मतलब वही अंधा पत्ती वाला काम सीख के आ जाओगे, ये नहीं हुआ तो ये IC निकाल दो, ये नहीं हुआ सिर्फ IC निकालना लगाना आप बैठ के सीख सकते हो एक दुकान में, बट आप सही तरीके से एक रेगुलर क्लास अटेंड करके आप तभी सीख पाओगे कि एक सेक्शन क्या काम करता है, उसी के बाद आप मास्टर बन पाओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर लाइन का काम। एक दुकान वाले के पास ना टाइम कभी नहीं होगा कि वो खड़े होकर 2-4 घंटे आपको इस क्लास दे सके, वो तो आपको ऊपरी एक गोला एक कौवा बना देगा, एक चिड़िया बना देगा और आपको बोलेगा कि भाई यही होता है और कुछ नहीं होता है, बाकी प्रैक्टिस है, मैंने 20 साल मेहनत की तू भी कर। हर कोई यही कहता है दोस्तों,
अगर कोई कोई सीख नहीं पाता तो वो कहता है भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो जरूरी है। मैं ये नहीं कहता प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, हैंड स्किल के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, पर अगर नॉलेज कि हाँ सर मुझे अब पता तो चल गया क्या करना है, अब ये है कि मैं अगर अच्छे से मेहनत करूँ और दिन में करीबन 5 घंटे लगातार प्रैक्टिस करूँ कि किसी आईसी को निकाल के लगा कर और सेट चालू करना, हर तरह की आईसी, पहले नॉर्मल आईसी, फिर पेस्टेड आईसी, फिर ब्लैक पेस्टेड, उसके बाद मैं नॉर्मल सीपीयू, फिर डुअल सीपीयू, फिर एमएमसी निकालूँ उसको प्रोग्राम करूँ, फिर यूएफएस निकालूँ उसको प्रोग्राम करूँ, अगर आप सिर्फ इतना भी अपना टारगेट एक हफ्ते में सेट कर लेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। पर ये हम सोच नहीं सकते ना, ये हम करना भी नहीं चाहते हैं। हमें चाहिए एक ऐसा वीडियो जिसमें सारी ट्रिक मिल जाए। आप देखिए कमेंट पे कैसे कमेंट आते हैं, सर एक वीडियो ना एक फुल बना दीजिए लाइट सेक्शन पे, सर एक वीडियो इस पर फुल बना दीजिए। यार एक अगर 10 मिनट 22 मिनट या आधे घंटे के वीडियो से पूरा सेक्शन समझा जाता तो एक इंस्टीट्यूट कभी 30 दिन नहीं पढ़ाता, वो एक दिन में या 2 दिन में हार्डली पूरे एक बैच खत्म कर देता। क्योंकि जब आधे घंटे में एक पूरा सेक्शन किया जा सकता है तो 2 दिन के अंदर बहुत सारे सेक्शन निपटाए जा सकते हैं। तो आप क्यों नहीं समझते कि किसी भी एक वीडियो से, पर्टिकुलर चीज़ से आप एक चीज़ को जान सकते हैं पर आप उसको समझ नहीं सकते। आज मैं यहाँ घर बैठे, आज मैं यूरोप को देख लूँ, आज मैं फ्रांस देख लूँ, मुझे कहीं भी घूमना है, एक जगह मुझे कोई ना कोई वीडियो में एक आदमी अगर घूम रहा है तो वो एक सिटी के एक मोहल्ले या एक रोड पर घूम रहा है, वो मुझे पूरा यूरोप घुमा देगा क्या एक वीडियो में? हाँ आप बताइए, क्या आपको एक वीडियो में पूरा यूरोप घुमा देगा? नहीं। वैसे ही अगर आपको यूरोप पूरा घूमना है तो आपको अपने आपको पर्टिकुलर समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, हर दिन में एक सिटी जाना पड़ेगा, उसमें उसको समझना पड़ेगा कि कहाँ घूमने की जगह है कहाँ नहीं है। सो ये सारी नॉलेज दोस्तों किसी दुकान में बैठ के नहीं मिलेगी, ये सारी नॉलेज आपको एक इंस्टीट्यूट में बैठ के मिलेगी और जिसमें एक टीम होगी जिसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टीचर्स होंगे। क्योंकि दोस्तों जनरली एक ही टीचर अगर आपको सॉफ्टवेयर भी पढ़ा रहा है, हार्डवेयर भी पढ़ा रहा है, सब पढ़ा रहा है, तो सोचो उसका उनका खुद का फोकस किस पर है, वो ओवरऑल एक नॉलेज गेन करके चल रहा है, मतलब उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो प्रो लेवल पे जा सके, वो एक हार्डवेयर के भी अंदर इंटरनली घुस सके, तो वो आपको फिर किस लेवल पे बताएगा, आप मुझे बताइए। सो ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। घर के पास बिल्कुल मत दूरी आपका इंस्टीट्यूट आपसे घर से कितनी दूर होगा ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी की डेट में हिंदुस्तान में आप देखिए जो बच्चे 12वीं करते हैं और उसके बाद में वो एक IIT कॉलेज या बड़े बड़े कॉलेज में जाना चाहते हैं जो उनसे घर से 1000 किलोमीटर दूर है। क्यों? घर के पीछे तो उनका स्कूल कॉलेज है, सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज, फलाना दिखाना कॉलेज, ये वो, उसके बाद भी वो अपने लोकल कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन लेते? क्योंकि उनको पता है कि ये जो कॉलेज है ये डिग्री तो दे देंगे पर वो नॉलेज नहीं दे पाएंगे। इनके टीचर खुद ही एक स्टूडेंट थे, अब वो टीचर बन गए। वैसे ही अगर मैं बात करूं और वो भी कब के, 1-2 महीने के, ये भी नहीं कि चलो ये कह दें कि 3-3 साल से 4-4 साल से पढ़ा रहे हैं, अब वो टीचर वाला एक्सपीरियंस आ गया है, बढ़ा सकते हैं, पर 2-2, 4-4, 5-6 महीने वाला ये तो फिर मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। सो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ कि आपको गहराई से अपने भविष्य के बारे में सोचना है। आप जल्दबाजी में अपने भविष्य का फैसला मत लें, नहीं तो फिर ऐसा होगा हाल कि आप हर इंस्टीट्यूट को नीचे गाली बकेंगे कि ये खराब है वो खराब है, ये सब घटिया होते हैं। सो दोस्तों ये गंदी और घटिया सोचना घटिया लोगों के और रहने दो, आप ना अपने बारे में सोचो, मेहनत करो, आगे बढ़ते चलो। ये लोग तो बोलते रहेंगे इनका काम है और जितना लिखेंगे इनको लिखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बटन है ना डिलीट, वो दबा दिया करो बस और आगे बढ़ दिया करो। क्योंकि दोस्तों आपके पास ना टाइम नहीं है, मैं ये समझता हूँ, आप अपने आपको इतना बिजी कर लो कि आपका टाइम ना हो किसी को बोलने का। क्योंकि अगर आप खाली बैठोगे तो आप उल्टी ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि अपने आपको बिजी रखो, अपने आपको इतना प्रो लेवल पे लाने के लिए प्रो लोगों से सीखो, प्रो लोगों से कॉन्टैक्ट रखो, अपने आपको क्रीम बना लो कि कि ऐसे जगह पे खड़े मत हो जो आपके लायक ना हो। तो ये आप बात समझिए कि किस तरह के माहौल अभी देश में बना हुआ है मोबाइल पेन को लेकर। तो मैं बस कहना चाहता हूँ कि दुकानों के काम सीख कर आप मोबाइल खोलना तो सीख जाएंगे, IC निकालना लगाना सीख जाएंगे, पर प्रॉपरली तरीके से आप सीख नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो एक दुकान वाला बहुत अच्छा होता और सब कुछ सिखा रहा होता, सो फिर वो दुकान जो होती वो इंस्टीट्यूट पूरा डाल दिया होता और दुकान बंद कर दिया होता। क्योंकि जब उसको सिखाने में इतना अच्छा हो रहा है तो फिर वो अपने पार्ट टाइम में बनाता। वैसे ही हम करते हैं, हम लोग भी अपना पूरा समय सिखाने में लगाते हैं और स्टूडेंट को हम ट्रेन करते हैं और अपना पार्ट टाइम में हम दुकानों वाला काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर टीचर एक टेक्नीशियन होना बहुत जरूरी है, पर खाली टेक्नीशियन टीचर कभी नहीं बन सकता है, ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो 2022 में आपको अपने धंधे में पैसा भी लगाना पड़ेगा, अपने धंधे में अकल भी लगानी पड़ेगी और समझ भी लगानी पड़ेगी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, एक बात
जो भी सोचना है, अगर आपने तय कर लिया है किसी मंजिल को पाना है तो आपको आगे बढ़ना है। खींचने वाले लोग आपको इतने मिलेंगे, पहले तो शुरुआत आपके घर से होगी, फिर आपके पड़ोस से होगी, और फिर आपके यहाँ वहाँ से होगी, और हर कोई आपको कमेंट करेगा, ये करेगा। सो दोस्तों, अगर आप अकेले आए हैं दुनिया में तो अकेले ही अचीव करेंगे, कोई आपको कंधे पर हाथ डाल के अचीव नहीं करवा सकेगा, ये बात मान लीजिए। सो मोबाइल रिपेयरिंग 2022 एक नंबर है। आप चाहो तो बहुत पैसा कमा सकते हो, और आप चाहो तो कुछ भी नहीं कमा सकते, बट ये आप पर है, ये आपकी चाहत पर है कि आप क्या कमाना चाहते हो, क्या लेकर जाना चाहते हो, क्या नहीं। सो मोबाइल रिपेयरिंग 2022-2023 आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जाइए, अपने समय को इंजॉय करो और इस काम से प्यार करो। जो प्यार करेगा वो आसमानों को छुएगा, और जो काम को काम समझेगा वो उसके लिए ये काम ही रहेगा, और उसको उतना आउटपुट मिलेगा नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो से आपको जानकारी बहुत सारी मिली हो। आगे बहुत सारी वीडियो ऐसा बनाता रहूँगा और इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप भी मुझे बताइए कमेंट करके कि किस इन्फॉर्मेशन पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस इन्फॉर्मेशन पे आपको वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।